नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीवा स्टडी पर। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि दो डिजिट की जितनी भी संख्या, जो दो अंकों वाली संख्या, उनको कैसे जल्दी से गुणा करें, यानी कि आप सिर्फ 2 सेकंड में कैसे दो डिजिट वाली संख्या को गुणा कर सकते हो। ठीक है, 2 सेकंड में आपको एकदम हाथों हाथ ट्रिक में बताऊंगा। जैसे कोई भी दो संख्या लेते हैं, जैसे एक ले ली 65 और बाकी कोई भी ले लो जैसे 64 ले ली। ठीक है, इनको दो को क्या है हाथों हाथ कैसे अपन क्या गुणा करते हैं, यहाँ से ऐसे करते हैं, पहले तो 4 से करते हैं। ठीक है, 20 आया, फिर 2 हासिल की आई, फिर 24 आया, 26 आया, 260 आया, फिर क्या है यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाते हैं, फिर 30 और 3 ऐसे करते हैं हम। लेकिन मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप क्या हाथों हाथ गुणा करना सीख जाओगे, बिना किसी इतना झंझट नहीं रहेगा आपके। ठीक है, तो इस हिसाब से करते हैं हम गुणा। तो ठीक है, तो अब मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे क्या आप हाथों हाथ गुणा करना सीख जाओगे। ठीक है, कैसे ट्रिक क्या वो मैं आपको आप स्टेप बता देता हूँ। पहले स्टेप बताऊंगा तब आपको थोड़ी सी लंबी लगेगी, लेकिन एकदम शॉर्ट ट्रिक है। जैसे यही एग्जाम्पल वापस लेते हैं कि 65 को 64 से गुणा करना है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है, एकदम शॉर्ट ट्रिक है। पहले क्या करो, इन दोनों संख्याओं को गुणा कर दो। ठीक है, इन दोनों संख्याओं को गुणा कर दो, जो क्या आया 5 को 4 से किया 20, तो हासिल की कितनी आई 2। फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 6 को 4 से कर दो और इस 6 को इस 5 से कर दो, 6 और 4 कितना आया 24। ठीक है, प्लस 6 को 5 से किया तो कितना आया 30 आया, तो कितना हो गया पूरा, कितना हो गया 54 हो गया। 54 में 2 जोड़े तो 56। ठीक है, हासिल की 5। अब लास्ट 2 को कर दो, 6 को 6 से किया 36 और 5 जोड़ दिए तो 41। तो ये एक लाइन में आप कैसे गुणा कर सकते हो, इसकी ट्रिक मैंने बताई है। तो मैथ की कोई भी ट्रिक आपको अगर जाननी हो तो आप फॉलो जरूर करें। एक और एग्जांपल देके मैं आपको बता देता हूँ क्या किया है। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, वरना सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं, ऐसे करते हैं थोड़ा टाइम लग जाता है और गलत होने के चांस रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी टाइम नहीं लगता है। ठीक है, हम थोड़ा सा मैं और आपको बता देता हूँ। अब देखो एक और संख्या लेके कोशिश करते हैं, पहले मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अब देखो कोई भी 2 संख्या लेते हैं, जैसे 46 को करते हैं 69 से। ठीक है, तो क्या क्या करेंगे, पहले जो लास्ट वाली 2 अंक को गुणा करेंगे, 9 को 6 से किया तो कितना है 54। ठीक है, तो हासिल की 5। फिर क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 को 9 से करो, 6 को 6 से करो, तो 4 को 9 से किया तो 36, 6 को 6 से किया तो 36, तो टोटल कितना है 72। 72 में 5 जोड़े तो क्या 77, तो यहाँ पर 7 लिखा और हासिल की यहाँ पर 7 हो गई। अब लास्ट 2 को कर दो, 6 को 4 से किया तो 7 जोड़ दो, 6 को 4 से 24, 7 जोड़ दो कितने 31, तो ये इसका आंसर हो गया। तो एकदम फास्टेस्ट ट्रिक है ये, अगर ये आप किसी भी बैंक या SSC के एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है। ठीक है, बैंक प्लस SSC की कोई भी अगर तैयारी करते हो तो आपके लिए ये एक इफेक्टिव ट्रिक है, खास करके बैंक के लिए। ठीक है, क्योंकि बैंक में ज़्यादातर सिंप्लीफिकेशन और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप क्या हाथों हाथ कैसे कैलकुलेशन कर पाओ, इसलिए ये एकदम बेस्ट एंड बेस्ट ट्रिक है। ठीक है, और एक मैं आपको एग्जाम्पल देके बता देता हूँ। कोई भी जैसे संख्या ले लेते हैं, जैसे ले ली अपन ने 79 को करना है, कल मैं आपको 3 डिजिट वाली बताऊंगा। 79 को जैसे करना है हमको, 79 को 89 से करना है, थोड़ा हार्ड ले लेते हैं। ठीक है, 79 को 89 से करना है तो कैसे आएगा, पहले इन 2 को गुणा करो, 9 को 9 से किया तो 9 को 9 से किया तो कितना आया, 9 को 9 से किया तो 81 आया, तो 1 लिख लिया, हासिल की 8 कर ली। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस 7 को 9 से करो और 9 को इस 8 से करो, तो 7 को 9 से किया तो 63। ठीक है, 7 को 9 से किया तो 63 प्लस इस 8 को 9 से किया तो 72। ठीक है, 63 और 72 जोड़े कितने हो गए 135 हो गए, 135 में 8 जोड़ा तो 143। ठीक है, 143 का 3 लिखा, हासिल की 14 लिखा। ठीक है, अब देखो 7 को 8 से करो 56, 56 में 14 जोड़ो कितने हो गए 70, तो 7031 आएगा। तो इस हिसाब से आप क्या कोई भी कितना भी बड़ा गुणा हो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब ये एक ट्रिक है, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कोई और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे 84 को करते हैं हम, 84 को कर लेते हैं 63 से। ठीक है, कुछ कोई भी संख्या ले लो आप करके देखना, पहले लास्ट वाले 2 को गुणा करो, 4 को 3 से किया तो 12, हासिल की 1। ठीक है, फिर क्या किया इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 को 3 से कर दो, 4 को 6 से कर दो, तो 8 को 3 से किया तो 24, 4 को 6 से किया तो भी 24, तो कितने हो गए 48। 48 में 1 ही हासिल का जोड़ा तो 49। ठीक है, फिर हासिल की 4 आ गई और यहाँ पर फिर लास्ट वाले 2 को कर दो, 8 को 6 से किया तो 48, 48 में 4 जोड़े तो कितने हो गए 52, तो ये हो गए 5292। तो इस हिसाब से आप कोई भी किसी भी प्रकार का गुणा जो 2 संख्याओं का होगा वो आप आसानी से कर सकते हो, हाथों हाथ आपका आंसर आ जाएगा, इसमें आपका टाइम बचेगा, वैसे करने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं आपको क्या वर्ग भी बताऊंगा और बाकी भी सब कुछ बताऊंगा, इससे पहले आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। और 3 डिजिट वाले जैसे ये होते हैं,
ये कोई भी संख्या हो गई, इसको कैसे गुणा करते हैं शॉर्ट में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 3 डिजिट वाले हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।